असलम टू डी फैमिली टीम अपना घर डॉट पी के साथ असद अली इज बैक अगेन तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सीट बेल्ट कस लें क्योंकि आज का जो घर है वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल बिकॉज द फीचर्स दिस हाउस इज प्रोवाइडिंग अस इज वेरी हार्ड टू फाइंड नाउ इज विद इन दिस प्राइस रेंज नाउ वी विल स्टार्ट विद विदलाइट ऑफ दिस हाउस गैस का मीटर आप लोगों ने देख लिया है वी हैव गॉट टू इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड ओवर हेयर पानी यहां पे सप्लाई का आता है तो पानी बिजली गैस तीनों चीजें इस घर में क्लियर है नंबर वन नंबर टू हाईलाइट ये है कि आपने टाइटल में यह चीज रीड की है कि ये घर फाइव मरला है लेकिन इनफैक्ट इट इज नॉट फाइव मरला हाउस इट इज सिक्स पॉइंट फाइव मरला हाउस अब आप पूछे सत भाई वो कैसे वो ऐसे कि यहाँ पे पुराने वाला मरला एप्लीकेबल है टू सेवनटी टू वाला आजकल टू फिफ्टी वाला इस्तेमाल होता है यहाँ पे टू सेवनटी टू वाला एप्लीकेबल है दिस इज वाई गेट सिक्स बेडरूम्स इन दिस हाउस एंड इट इज इन सेन क्योंकि पांच मल्ला घर में मैंने आज तक जितनी वीडियोज बनाई हैं चार बेडरूम से ऊपर कभी भी नहीं देखे सो दिस हाउस इज गॉट सिक्स बेडरूम्स बिकॉज इस घर का साइज आज कल के पांच मला से काफी बड़ा है एनी वेज नाव वी एर मूव विंडो द कार्पॉच ऑफ दिस हाउस और अब इस घर की हम तीसरी हाईलाइट की बात करेंगे वो है इस घर की अप्रोच इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से और एयरपोर्ट रोड से यहां से आपका पांच मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है एंड एज आई हैव टोल्ड यू वी आर इन एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर वन तो यहां से आपका इस घर से एयरपोर्ट सोसाइटी का जो मेन सिविक सेंटर है जो बड़ी मार्केट है यहां से आपका थ्री टू फोर मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है और यहां पे इस घर के इर्द गिर्द टू टू थ्री मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेजेस और स्कूल्स भी मौजूद हैं तो एंड आई वुड से दिस इज़ अ फुली लोडेड हाउस यहाँ पे आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं पानी बिजली गैस स्कूल्स कॉलेज़ इर्द गिर्द आपके आप शहर के मेन मरक़ के अंदर रह रहे हैं और यहीं से आपकी ऊपर जा रही है ये एक सीढ़ी ऊपर एक छोटा सा टेरिस बना हुआ है और दिस वॉज द कार पोर्च ऑफ दिस हाउस तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आप लोगों से गुजारिश है कि जब कभी भी हमारे पास इस तरह फुल्ली फीचर लोडेड हाउस आता है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो घर मैं ख़रीद लूँ तो ऑब्वियसली घर एक ही है तो उसको एक ही बंदा खरीदेगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाली पॉलिसी है जो हमसे सबसे पहले रबता करेगा वो सबसे पहले ये घर हासिल करेगा सो नाउ वी हैव मूव्ड इनटू दिस हाउस अभी छोटा सा क्लिप आप लोगों ने किचन का देखा वो मैं आगे डिटेल से दिखाऊंगा अभी हम इस घर के ग्राउंड पोर्शन में आ चुके हैं और ये है जी आपका टीवी लाउंज मैंने जैसे वीडियो को स्टार्ट में बताया था इस घर में सिक्स बेडरूम्स हैं टू बेडरूम्स इस घर के ग्राउंड पोर्शन पे हैं और फोर बेडरूम्स इस घर के ऊपर वाले पोर्शन में वो हम आगे जाके देखेंगे ये एक आपका टीवी लाउंज है फैमिली आ, का एरिया है टीवी के लिए अलग जगह बनी हुई है सामने डाइनिंग टेबल अलग से सेटअप आप देख लें कितनी खुली यहाँ पर एकोमोडेशन है और आ, अब ये मैं बता दूँगा ये घर पुराना घर है ठीक है यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आजकल के फैशन और टेस्ट के मुताबिक नहीं होंगे लेकिन वो आप चेंज करवा सकते हैं जिस तरह ये कबर्ड है आप अगर चाहें तो नया लकड़ी के काम करवा लें जिस तरह डोर्स हैं वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक नए करवा लें लेकिन ये घर पुराना होने की वजह से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटीज़ घर में काफ़ी अच्छी है जो मैंने देखा है जो आजकल के मैार है जो आजकल के कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनसे ये घर काफ़ी ज़्यादा मजबूत मुझे लगा क्योंकि ये पुरानी चीज़ें एंड यू नो ओल्ड इज़ ऑलवेज़ गोल्ड सो so, अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर और अभी आपने टी वी लाउच देखा यहाँ पे हमारे टू बेडरूम्स हैं और ये फर्नीचर जो है या सामान जो है ये इसके साथ अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि जो फैमिली यहाँ पे अभी रह रही है जिनका घर है ये उनका है सो ये मत सोचिएगा कि फर्नीचर भी आप लोगों को मिलेगा सो एनी वेज बेडरूम नंबर वन के अंदर हम आ चुके हैं तो एज़ आई हैव ऑलरेडी स्पोकन के यहाँ पे आपको देखें विंडोज़ का स्टाइल थोड़ा पुराना मिलेगा अंदर जो आपकी इसमें नेट इस्तेमाल हुई हुई ये आप चेंज करवा सकते हैं इट्स नॉट अ बिग इशू और uh, कबड़ जो है यहाँ पे आपको फोर डोर कबड़ दी गई है अब कहने का तो ओल्ड फैशन कबड़ है लेकिन इट रियली डजेंट मैटर क्योंकि जो फैसिलिटीज़ uh, जो एम्यूनिटीज़ और जो अप्रोच एक घर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपके नए घरों में मेरा नहीं ख्याल आपको मिलने वाली है और यह देखें जी एल ई डी में ड्रामा सीरील्स लगे हुए एंड आई एम वेरी एलर्जिक टू दीज ड्रामाज बिकॉज आजकल के मैं ड्रामा समझता हूँ उनकी स्टोरी इस काबिल नहीं है कि आप फैमिल्ज़ के साथ बैठ के देखें और इनको बायकआउट करना चाहिए दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन अगर किसी को बुरा लगे तो हजरत खुवाऊँ सो कमिंग बैक टू दिस हाउस यहाँ से हम एंटर हुए वो आपका टी वी था ये एक आपका वाशरूम और वाशरूम का साइज भी आप देखें काफ़ी बड़ा है आ, एक बेडरूम हम लोग देख चुके हैं सामने और उसके साथ अगेन आपका ये सेकंड बेडरूम है इस घर का वॉल्स पे भी इन्होंने जो है वो कॉटन पेंट कराया हुआ है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराई हुई है अगर आप चाहें तो यहाँ पे पीवीसी पैनल्स भी अपनी मर्जी के लगा सकते हैं सीलिंग वर्क भी हो सकता है Uh, ये सारी मॉडिफ़िकेशन आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं पीछे ये वेंटिलेशन की थोड़ी सी जगह है या अगर आप इसे लॉन्ड्री भी कह लें और uh, ये है जी इस घर का सेकेंड बेडरूम और अभी यहाँ से हम निकलते हैं बाहर तो अगेन इस घर की जो मेन हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ पे दो मौजूद हैं गैस मीटर यहाँ पे आपका अवेलेबल है सप्लाई का वाटर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे आता है तो व्हाट एल्स यू नीड इन एनी हाउस अभी टी uh, वी से हम निकलते हैं ग्राउंड पोर्शन के और यह रास्ता आपका जाता है टूवर्ड्स द सेकेंड पोर्शन यहाँ से आपका कारपोर्ट्स की मेन एंट्रेंस थी सो so, अभी हम यहाँ से नज़र डाल लेते हैं किचन uh, में अब अगेन मैंने जैसे आपको बताया है कि ये पुराना घर है तो किचन भी आपको यहाँ पे ओल्ड फैशन मिलेगा कैबिनेट्स वगैरह जो होंगे आपकी इलेक्ट्रिक घोड़ी यहाँ पे नहीं गिवन बन सो अगर आप इसको ऐसा भी चलाना चाहें क्योंकि फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है और अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली यहाँ पे रह रही है आप भी गुज़ारा कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं चाहती हैं यू कैन कॉन्टेक्ट दारपेंटर एंड ही विल फिक्स ईच एंड एवरी इन दिस हाउस और ये एक पीछे आपका छोटा सा सहन दिया गया है इसको वेंटिलेशन की स्पेस कह दें एक गीज़र भी है या इसको आप लॉन्ड्री की जगह कह दें आ, आपकी मर्जी सो so, अभी हम चलेंगे जी सेकंड पोर्शन पे इस घर के और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इस घर की प्राइस जो कि सबसे मेन फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर है इस घर का इस घर की जी फाइनल प्राइस फ़ाइनल मीन्स फाइनल इसमें बिल्कुल भी, भी कोई निगोसिएशन पॉसिबल नहीं है इट इज़ वन करोड़ ट्वेंटी फाइव लैक्स इट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ दिस हाउस अब आप जितने भी घर देख लें जहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड गैस मीटर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के दो मीटर जितनी भी मैंने आखिरी दो महीनों के अंदर वीडियोज़ बनाई है तमाम ऐसे घर जो हैं वो वन सेवेंटी प्लस हैं तो वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए इस घर की प्राइस उस हिसाब से बहुत अच्छी है हाँ मानता हूँ ये चीज़ कि ये घर पर आना है Obviously, लेकिन still the facilities this house is providing you जो आपको approach ये घर दे रहा है जो आ, जो amenities ये दे रहा है इस price range में बहुत hard है आपको मिलना और डिसीजन अब आप, आप लोगों ने लेना है ये है जी इस घर का front elevation जहाँ पे आपकी stone tiles इस्तेमाल हुई हुई हैं और ये है जी एक छोटा सा एक अदद का टेरिस आपने कभी पाँच मरला घर में इतना बड़ा टेरिस देखा है Uh, आपकी चेयर यहाँ पे पड़ी हुई आप बैठ सकते हैं शाम के टाइम अपनी फैमिली के साथ और पकोड़े वगैरह खा सकते हैं <laughs> चलो पकोड़े क्यों नगेट्स भी खा सकते हैं uh, पकोड़े ज़रा साउंड्स वेरी देसी एनीवेज अभी हम यहाँ से चलते हैं अंदर और ये आपके नेट डोर्स भी दिए गए हैं तो ये चीज़ छोटी छोटी बताती है कि ये पुराने ज़माने का घर है और आपको पता है पुरानी चीज़ जो होती है हमेशा स्ट्रांग होती है अभी हम सेकेंड पोर्शन के अंदर आ चुके हैं तो यहाँ की मेन हाईलाइट बताऊँ यहाँ पर आपको फोर बेडरूम्स मिल जाते हैं यानी कि टू बेडरूम्स आपके ग्राउंड पोर्शन में थे और फोर बेडरूम्स आपके ऊपर वाले पोर्शन के अंदर है टोटल इस घर में छः बेडरूम्स हैं एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने ये चीज़ देखी है कि पांच मरला घर में छः बेडरूम्स हों हती के पाँच मरला नहीं है मैंने आपको बताया ये पुराने वाले पाँच मरला साढ़े छः मरला तकरीबन बनता है लेकिन स्टिल आ, ले आउट प्लान इसका आप देख लें अभी हम आ, इस घर के दो बेडरूम्स हमने नीचे देखे एक बेडरूम यहाँ साथ देखा तो दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम ऑफ दिस हाउस और अगर आपकी बड़ी फैमिली है आपके रेलिटि वगैरह आते हैं मेहमान आते हैं तो आप ये चीज़ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इस घर के अंदर और अगेन दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम ऑफ़ दिस हाउस और छोटी uh, सी यहाँ पे अंगीठी भी बनी हुई है एंड अंगीठी यहाँ पे काम भी आएगी क्योंकि यहाँ पे गैस भी अवेलेबल है एंड यहाँ से अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स द फिफ्थ बेडरूम ऑफ दिस हाउस और यहाँ पे आपका इसके सामने वॉशरूम है और दिस इज़ द फिफ्थ बेडरूम ऑफ़ दिस हाउस और इसका साइज़ भी आप लोग देख लें और काफ़ी अच्छा वेल मेनटेंड इन्होंने रखा हुआ माशा क्योंकि फैमिली एक रह रही है और अच्छी तमीज़दार सोफिस्टिकेटेड मुझे ये लोग लगे हैं जिन्होंने इतना अच्छा ये घर मेंटेन किया हुआ है और अगेन वही वाली बात है कबर्ड्स वगैरह विंडोज़ वगैरह आप चेंज करवा सकते हैं इट इज़ नॉट अ बिग कंसर्न और आ, इसके अलावा अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लीजिए इस घर में हाँ नेगेट नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आप जितने ये बेडरूम्स हैं इन सब के साथ अटैच वॉशरूम नहीं है क्योंकि वॉशरूम जो है वो आपका बाहर है तो दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट लेकिन अगेन अब इतनी सी जगह में आप कितने वॉशरूम बनाए जाएँ थोड़ी सी लिमिटेशन है इस घर की ये लेकिन स्टिल मैनेजेबल है और ये आपकी बाहर गैलरी या जो आपका टेरेस है और पांच बेडरूम्स अभी मैं आपको इस घर के दिखा चुका हूँ और ये आ, बेडरूम नंबर थ्री बेडरूम नंबर थ्री था फोर था फाइव और इसके साथ साथ ये आपका जी वॉशरूम है और वॉशरूम का साइज़ भी देख लें आधे कमरे जितना साइज़ है वॉशरूम का एंड लास्ट बट नॉट द ली सिक्स बेडरूम ऑफ दिस हाउस जिसको ये लोग एज अ ड्राइंग रूम यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपकी मर्जी आप इसको ड्राइंग रूम यूज़ करें या एज अ बेडरूम यूज़ करें यहाँ पे इन्होंने काच्चेज वगैरह रख लें तो ये ड्राइंग रूम बन गए यहाँ पे आप बेड्स रख लें तो ये बेड रूमूम जाएगा और uh, कबर्ड यहाँ पर इधर नहीं है इन्होंने अपनी खुद पोर्टेबल uh, कबर्ड रखी हुई है सो आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये घर पसंद आ रहा होगा और अगेन इस तरह का जब भी घर होता है बहुत प्रेशर होता है हम पे हर बंदा कहता है कि यार मुझे ही ये घर चाहिए तो अगेन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट वाली पॉलिसी होगी मैं फ़र्श भी दिखा देता हूँ क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है एक एक चीज़ आप लोगों को सही तरह दिखाया जाए तो यहाँ पर चिप्स इस्तेमाल हुई है फर्श पर पुराना घर है मैंने आपको जैसे बताया लेकिन चिप्स अगेन मैं बताऊँ काफ़ी मजबूत होती है आजकल के मार्बल और टाइल्स से तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है तो ओवरऑल ये घर काफ़ी सॉलिड लगा मुझे वीवर एट एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर वन और फाइव मरला घर हमारे पास ये था जो कि पुराने वाले पाँच हैं और पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें हैं वाटर के दो सॉरी वाटर सप्लाई का है इलेक्ट्रिक टू मीटर्स हैं गैस का एक मीटर है अभी हम सेकेंड पोर्शन के किचन के अंदर आ चुके हैं और ये अगर आप लेते हैं तो इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं घर को और रेंटल इनकम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है अराउंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड आप इस घर से रेंटल इनकम भी हासिल कर सकते हैं अगर इसको आप रेंट आउट करते हैं सो नाउ वी विल गो टू वर्ड द रूफ टॉप ऑफ दिस हाउस अगेन याद दिला दूँ एयरबोर्ड हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर वन फाइनल प्राइस ऑफ दिस हाउस वन करोड़ ट्वेंटी फाइव लैक्स काइंडली जो भी हमसे राबा करें वन ट्वेंटी फाइव इज द फाइनल प्राइस इसमें निगोसिएशन का कहकर शर्मिंदा ना करें क्योंकि ये ऑलरेडी घर काफ़ी मुनासिब है और ये चीज़ आप लोगों को भी पता है इतनी प्राइस में इतनी फैसिलिटीज वाला घर आज कल के दौर में नहीं मिल रहा और अभी हम आ चुके हैं जी रूफ टॉप पर और यहाँ पर आपकी स्लैग डली हुई है और इसके साथ साथ मैं यहाँ आपको एरियल व्यू भी दिखा दूँ यहाँ का सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप मेरी फरमाइश भी सुन लें फाइव थाउजेंड लाइक्स आई नीड ऑन दिस वीडियो अगर अभी तक फाइव थाउजेंड लाइक्स कम्प्लीट नहीं हो जल्दी से लाइक पे क्लिक करें और सजेशन जो हों वो अपनी दे दिया करें और मुझे लाजमी बताएं कि आज की वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कौन से सिटी से कौन से कंट्री से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अला हाफिज़